यह है राजधानी भुवनेश्वर। माहौल तो बहुत ही अच्छा है भुवनेश्वर का, 10 महीना से रहता हूँ। पैसा तो देखिए आनी जानी है, लेकिन यहाँ जो सुख शांति है भुवनेश्वर में, आह क्या नजारा। अभी मैं मेरे बाबा बोले, ये देखिए नवीन पटनायक पास हो फोले एयर कंडीशन, मेरे बाबा शिव जी के मंदिर से पूजन करके रात्र को पूजन करने जाता हूँ। आज फिर अमावस्या का दिन, माहौल बहुत ही मस्त चकाचक है यहाँ। यहाँ सुकून है, स्वर्ग जैसा स्वर्ग, और ढूंढना नहीं पड़ेगा इंसान के आत्माओं को। ये राजमहल स्क्वायर है, यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। अगर अच्छे एरिया में अगर आप मकान किराए पे लेकर रहते हो तो यह जैन साहब का, भावेश चंद जैन साहब का ज्वेलरी शॉप है, और काफी मेरे अच्छे जान पहचान है जैन साहब। बुलाते हैं, आओ आओ मित्तल जी, दुकान में बैठेंगे, गप सप लड़ाएंगे। ये देखिए क्या नजारा है शहर का, ओहो दुकान है। यह मास्टर कैंटीन के नजदीक, रेलवे स्टेशन के नजदीक मास्टर कैंटीन। ये राजमहल स्क्वायर और मास्टर कैंटीन के बीचों बीच का एरिया हम दिखला रहे हैं आपको, और यही नजदीक है 2 नंबर मार्केट, जहाँ की आपको जो भी खरीदना हो घरेलू चीज सब मिल जाएगा। यहाँ लॉज भी काफी है, बहुत सुरक्षित जगह है। बाहर से अगर आप आते हैं तो यहीं रुकिएगा। जो हमने ज्वेलरी शॉप दिखाया उसी के आसपास जो लॉज वगैरह हैं बहुत सुरक्षित है। सामने मंदिर है शिव जी का, वहाँ आपको दोपहर को बहुत ही बढ़िया भोजन वगैरह का व्यवस्था है। मैं तो 10 महीना हो गया, प्राय सभी से जान पहचान है यहाँ भुवनेश्वर। 500-700 लोगों से तो ऐसा मेरा जान पहचान है कि मेरा पूजन पाठ के बाद जो है टाइम अच्छा पास हो जाता है। जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा के साथ माहौल भी होना चाहिए, सुकून शांति स्वर्ग का माहौल जो कि भुवनेश्वर में है। आप किराए के मकान में रहते हैं या खुद का भी मकान हो किसी गांव देहात में, तो छोड़ छाड़ के भुवनेश्वर आ जाइए। आपको वर्ल्ड में अगर सबसे अच्छा जो कि पिंक सिटी, पहले राजस्थान जयपुर को बोला जाता था, लेकिन अब जो है पिंक सिटी वर्ल्ड के अंदर भुवनेश्वर ही है। यहाँ का शासन प्रशासन बहुत ही अच्छे हैं, और भुवनेश्वर में देखिए किसी को भी सुख शांति तो है ही है। अपार धन का वरदान अगर चाहिए तो यहाँ कालिका देवी मंदिर है बरमुंडा में। बरमुंडा किसी को भी पूछ लीजिएगा, बस स्टॉप वगैरह है। भुवनेश्वर की शासन देवी है जो कि कंट्रोल करती है भुवनेश्वर को, तुरंत वो आशीर्वाद दे देती है। मैं तो हर शनिवार को जाता हूँ महाकाली का देवी। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, प्रथम चक्र की देवी है महाकाली का देवी। दुर्गा सप्तशती पाठ की प्रथम देवी है महाकाली। 10 महाविद्या की प्रथम देवी है महाकाली। महाकाली देवी को प्रसन्न कैसे किया जाता है, सिस्टम 27 नींबू का एक माला, रक्षा सूत्र में माला बना के, 2 रुपया का एक सिक्का, नींबू में थोड़ा सरसों तेल और सिंदूर, बेलपत्र 2-4 लगा दीजिएगा, बेलपत्र टेप रिकॉर्डिंग है, और दुर्वा दल एक बंडल को अच्छे से धो के कर्पूर सुगंध दे के वहाँ 1-2 बेलपत्र बांध दीजिएगा, और एक श्रीफल नारियल और देवी को चढ़ा दीजिएगा, उसी से देवी प्रसन्न। सिंदूर तो जो भी देवी को देता है ये सामग्री के साथ, सिंदूर का रहस्य सदा सुहागन। दुब दुर्वादल, दुब घास दुर्वादल, वो तो ब्रह्मास्त्र है सभी देवी देवताओं का। तो महाकाली देवी तो एक ही शनिवार को, शुक्रवार को, बुधवार को, गुरुवार को कभी भी जाइए, टाइम सायं
6:30 के बाद महाकाली देवी सुप्रीम पावर है। इंसान जीवित रहते ही महाकाली वरदान, और इंसान की मृत्यु के बाद उसके आत्मा को महाकाली देवी ही चाहिए। महाकाली देवी ये मानव की माँ है, राक्षसी शक्तियों के लिए वो खतरनाक है। तो बिल्कुल निर्भीक महिलाओं को तो देवी जो है इतना जल्दी आशीर्वाद देती है। महिला आप किसी भी महाकाली का देवी के मंदिर में मैंने जो सामग्री बतलाया लेके जाइए। और माँ बोली, मैं 20 साल की उम्र में, ये अभी राजमहल उस पर जा रहा हूँ, 20 साल की उम्र में सर्वप्रथम जब मैंने धर्म का मेरा चरण आगे बढ़ाया तब मैं महाकाली देवी का मैं पूजन शुरू किया। उसका पूजन का अर्थ क्या है? देवी के सम्मुख जाकर सर झुकाना, वही पूजन है महाकाली का देवी। महाकाली का देवी बहुत जल्दी आशीर्वाद देती है, इसीलिए दुर्गा सप्तशती दुर्गा माँ के पाठ में प्रथम देवी रखा गया। 10 महाविद्या देवियों को प्रथम देवी रखा गया। इंसान के जो 7 चक्र हैं, प्रथम चक्र देखिए आप, नाम ढूंढिए गूगल में प्रथम चक्र क्या है और उसकी देवी कौन है, तो महाकाली का देवी ही निकलेगी। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अब किसी भी देवी देवता का पूजन कीजिए, जब तक आपके घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का वास नहीं है तो पूजन पाठ जप तप दान दक्षिणा ये काम ही नहीं करेगा। क्योंकि वर्ल्ड को जो कंट्रोल, वर्ल्ड महाकालिका देवी को भी देखिए कंट्रोलर हैं, शिवलिंग ही है। अब कलकत्ता वेस्ट बंगाल देखिए, वाह क्या माहौल, महाकाली का जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में मंदिर है, 10-10 शिवालय बने हुए हैं। आप किसी भी शहर में रहते हैं, चाहे बरगढ़ में हो, चाहे केसिंगा में हो, चाहे भुवनेश्वर में हो, चाहे नयापाली में हो, हर क्षेत्र में महाकाली का देवी मंदिर है। वहां सिर्फ जाकर आपको सर झुकाना है, ये राजमहल इस पर आ गया। यहाँ शाम होती ही लोग घर से निकलते हैं, और मस्त घूमते फिरते खर्चा करते हैं। यहाँ का नज़ारा ही कुछ और है। आप भुवनेश्वर रहने के इच्छुक हैं, साल भर पेशेंस रखिए, रोटी तो कहीं भी खाना है। मैं केसिंगा में रहता था तब भी रोटी खाता था, और भुवनेश्वर रोटी, ये देखिए यहाँ गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा व्यवस्था है, बहुत ही शांति। और यहाँ के जो ऑटो वाले भाई वगैरह हैं बहुत ही ईमानदार हैं, लूट पाट कुछ नहीं है। ये राजमहल स्क्वायर एक तरफ इधर जाता है आपका 1 नंबर मार्केट, गवर्नर हाउस, नया पाली नज़दीक बापूजी नगर है, और ये रेलवे स्टेशन इधर जाता है, बहुत माहौल अच्छा है। अभी देखिए मैं चलते चलते राजमहल स्क्वायर आ गया, यहाँ से मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ जाऊँगा, और उसके बाद जो है रात को अपना दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, रोटी मेरा तैयार रहता है गर्मा गर्म, 4 रोटी सब्जी अचार, और लगा देता हूँ एक मस्त फिल्मी दुनिया गाना है, और भोजन करके फिर अपना ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः रटते जाता हूँ रात भर। कल्पना कल्पना कल्पना, ये अभी राजमहल स्क्वायर से कुछ ही मिनटों में कल्पना स्क्वायर, ये एक तरफ जाता है पूरी जगन्नाथ धाम, और दूसरे तरफ जाता है कटक, भुवनेश्वर राजधानी, जगन्नाथ जो कि जगत के नाथ जी हैं। तो कुछ ही मिनट में ऑटो वाले 10 रुपया लेते हैं, और कल्पना स्क्वायर और राजमहल के बीच में ये फल फ्रूट का बहुत ही अच्छा मार्केट है,
माहौल बहुत अच्छा है भुवनेश्वर का। यहाँ का कपड़ा दुकाना बहुत बड़ा माँ तारिणी वस्त्रालय है, बहुत भयंकर भीड़ रहता है। ये भी हम लोग पहुँच गए कल्पना स्क्वायर। ये कल्पना स्क्वायर बस स्टॉप है। गवर्नमेंट यहाँ का बहुत ही अच्छा काम कर रहा है राजधानी को। आप रायपुर, दिल्ली, बॉम्बे आप देखिए वहाँ का माहौल, और उड़ीसा राजधानी बहुत ही मने यहाँ के सड़कें जो हैं 150-200 फुट साफ सफाई तो दिन रात, और यहाँ के आदमी एक दूसरे को चाहते, मानवता है, मानवता। यहाँ फूल बहुत बिकता है जगह जगह पे। लोग देवी देवता के मंदिर में जाते हैं तो 50-100 रुपये का फूल ऐसे ही ले लेते हैं। यहाँ फूल जो है और बहुत ही ताजा फूल बाहर से आता है, फूल का बहुत ज्यादा यहाँ सेल है। ये अभी देखिए इसको कहा जाता है कल्पना स्क्वायर। एक तरफ जाता है ये कटक रोड इधर, और दूसरी तरफ जाता पुरी, पुरी जाता, और यहाँ बहुत बड़ा जो शिवालय है, शिव मंदिर है, तो यही रास्ते से ही जाना पड़ता है। आप स्टेशन से पुरी जाना हो यहाँ आ जाइएगा फायर स्टेशन, और यहाँ से गाड़ी दिन रात चलते रहते हैं पुरी के लिए। माहौल अच्छा है देखिए। बस इतना है भुवनेश्वर में, एक तो जमीन को नीचे देख के चलना है नीचे, क्योंकि कुत्ता वगैरह जगह जगह खराब कर दे, तो दूसरा मोबाइल अपना संभाल के रखिएगा, कोई बोले ना हमें थोड़ा फोन करना, मोबाइल दीजिए मत दीजिएगा। यहाँ का ऐसा सिस्टम है, ट्रैफिक सिस्टम भी बहुत खास है। आप रायपुर जाके देखिए, रायपुर को कंपेयर आपको 2 दिन रहने के लिए मन नहीं करेगा, और भुवनेश्वर एक बार जो आदमी रह गया 6 महीना तो छोड़ने के लिए जीवन भर मन नहीं करेगा, क्योंकि स्वर्ग जैसा माहौल है, वातावरण है। यहाँ जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं सब जागरूक हैं। यहाँ के लोग सुबह मैंने ब्रश करने से पहले सर्वप्रथम फूल खरीदने जाते हैं, फूल, दूब घास, बेलपत्र जिस एरिया में मिलता हो, जो नहीं मिलता हो नहीं भी खरीदते, और सर्वप्रथम नहा के देवा देवी अपने घर में। प्राय प्राय भुवनेश्वर के बहुतों घरों में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग हमने स्थापना करवाया है। आज भी अमावस्या का दिन था, कई घरों में मैंने स्थापना करवाया भुवनेश्वर में। तो मेरा तो दिन रात यही काम है, अनुष्ठान करना और लोगों के घर घर जन जागरण कि नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग घरों में स्थापना करो भुवनेश्वर। हमने तो अनेक महिला मंडलों को भी मैसेज कर दिया है कि चाहिए तो पोस्टल एड्रेस दे दीजिएगा, मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ और भिजवा दूंगा बाय पोस्ट। किसी के घर में जाना संभव नहीं है दूर दराज। जगह जगह पे देखिए इतना बड़ा बड़ा टीवी लगा हुआ, तो यहाँ का शासन प्रशासन भी बहुत ही अच्छी, यहाँ के ऑफिसर वगैरह बहुत अच्छे, सब मेल मिलाती हैं, माहौल अच्छा है, कुल मिला के माहौल अच्छा है। जो छोटे छोटे शहर में रहते हैं, किसी का 2 करोड़ का जमीन है, किसी का 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, तो पैसा क्या करना है, इतना जरूरत नहीं है। आप भले ही किराए के मकान में रहिए भुवनेश्वर में, एरिया अच्छा देखिए, जैसे कि राजमहल स्क्वायर, कल्पना स्क्वायर, ये सब एरिया अच्छा, क्योंकि शहर को लगा हुआ है। अब किराए का मकान ले लीजिए, लेकिन अच्छे एरिया जो कि टाउन से टॉच होता हो आप रहिए। माहौल जिंदगी है, कुछ 1-2 साल आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा, अगर पैसा नहीं है तो टैकल करना पड़ेगा अपने लाइफ को, और फिर महाकाली का देवी से वरदान मिलेगा, और घर में तो नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग जिसे महाज्योतिर्लिंग कहा जाता है, बाबा से आशीर्वाद लीजिएगा। सुबह पूजन करने से सुख शांति आयु आरोग्य प्राप्त होता है, शाम को अक्षत चावल से पूजन करने से धन का वरदान प्राप्त होता है। ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः जाप करते रहिएगा तो सेटिंग हो जाओगे। यहाँ पे भुवनेश्वर में सेटिंग होना शुरुआत 1 साल थोड़ा आपको ये लगेगा, माने नया जगह पे जाने से जैसे लगता है। यहाँ फूलों का दिन रात बिक्री है, देखिए फूलों का भंडार भरा हुआ है, ये देखिए। यहाँ 6 महीना साल भर मन लगने में थोड़ा टाइम लगेगा, और पहले जैसे भुवनेश्वर आप आओ ना रहने के लिए, 6 महीना तक घूमिए या 3 महीना तक घूमिए, सभी देवी देवता को मंदिर में जाइए आशीर्वाद। लेकिन यहाँ की कंट्रोलर जो देवी है वो महाकाली का देवी बरमुंडा में, बरमुंडा कंट्रोलर देवी है, उसका आशीर्वाद मिल गया तो सोच लीजिए आपका कायकल्प बदल जाएगा।
बरमुंडा में है। आप कभी घूमने भी आते हो ना, जैसे बाहर से सूरत से बॉम्बे से पुरी के बाद जो भुवनेश्वर घूमना होता है तो बोलिएगा ऑटो वालों को हमको बरमुंडा महाकालिका देवी के मंदिर में जाना है, और जरूर दर्शन कीजिए आप देवी का। कुछ जुगाड़ न भी हो तो एक श्रीफल लेके जाकर बरमुंडा की महाकालिका देवी जो है, दक्षिण कालिका देवी, तो बहुत ही जल्द आशीर्वाद देती है। और अभी हम ऑटो में जा रहे हैं आगे की ओर, ये कल्पना स्क्वायर से कटक की ओर जा रहा है, ये भुवनेश्वर कल्पना स्क्वायर से कटक की ओर जा रहा है। यहाँ ट्रैफिक सिस्टम बहुत अच्छा ही है, पिंक सिटी है भुवनेश्वर, वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा बना हुआ है राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार, जो एक बार यहाँ रहने के लिए आ गया तो वापस जाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ के अपने ऑटो वाले भी जो भाई वगैरह हैं बहुत ही ईमानदारी से नए लोगों को के लिए बोलते हैं अतिथि देवो भव। अर्थात बाहर से कोई व्यक्ति आया हुआ है तो वह हमारा अतिथि है, और यहाँ के जो रहने वाले व्यक्ति हैं एक दूसरे को बहुत ही हेल्प करते हैं। ये कटक की ओर जा रहा है, और दूसरे तरफ जो हमने दिखाया आपको वह पूरी जगन्नाथ धाम, वर्ल्ड का सबसे, मैंने अनेक देशों को देखा है, नेपाल देखा है, गुवाहाटी हरिद्वार वगैरह, रायपुर छत्तीसगढ़ में भी रहा हूँ, लेकिन सबसे अच्छा माहौल जो है ये भुवनेश्वर का है। मैंने साइड रखती है, यहाँ अभी उतर के आगे चलना है। यहाँ नजदीक साई बाबा का मंदिर भी है, हाँ ऐसे ही रखी थी ओले भी। ओके, यहाँ बोधिष्ठ बाबा बैठे हुए हैं, आते जाते रोज थोड़ा दर्शन कर लेता हूँ, बोल भी देता हूँ एक शब्द, बोधम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये देखिए हमारे ये बोध बाबा, बाबा आपका भी शूटिंग कर दिया हूँ, थोड़ा आशीर्वाद बनाए रखना बाबा। बहुत ही शानदार है ये, कुल मिला के माहौल, जीवन जीना है तो ऐस आराम से जिया कर, पैसा तो आनी जानी है ही है। आगे साईं बाबा का मंदिर है, और यहाँ जो मैं भी खड़ा हूँ बौद्ध मूर्ति के नजदीक, यहीं से रेलवे स्टेशन 2 मिनट का, मैं तो पैदल चलते चलते घूमते घूमते, मुझे 99 का चक्कर नहीं है, हाय हाय पैसा हाय पैसा, मेरे को तो बस अपना पूजन पाठ और देवी देवता से आशीर्वाद लेंगे, पैसा के लिए जीवन क्यों खराब करें। माहौल अच्छे माहौल में रहेंगे तो कम से कम भी आप अच्छे माहौल में रहिए, कम से कम आपका आने वाला पीढ़ी जो है तेज बने। ये भी रोड क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ बहुत जान पहचान हो गए मेरे, ओ कोई बोलता है मुझे शास्त्री जी, कोई बोलता भाई ना भाई ना, यहाँ मेरे को मान सम्मान, तो गांव में रहता था तो बोलते थे घर का जोगनी जोगना, बाहर का जो किसान था चला आया भुवनेश्वर, यहाँ मान सम्मान प्रेम भाव बहुत ही अच्छा। ये वीडियो को एक ग्रुप तक या 10 लोगों तक जरूर भेजें।